निकल रही है स्टीम। टिक्के जो है ना बनने के लिए जा रहे हैं भुनने के लिए। यल्ला अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, जैसे कि मौसम बहुत मज़े का खूबसूरत सुहाना और बड़ा ही रहमतों वाला हो रहा है और नेक्स्ट वीकेंड भी बारिश रहेगी, तो हमने इंतज़ाम कर लिया है इस मौसम को भरपूर इंजॉय करने का। जैसे कि उस दिन व्लॉग में आपने देखा था, हम इंगेटी ढूंढ रहे थे तो हमें ये उतैम से मिल गई थी, रीजनेबल प्राइस में हम लेकर आ गए थे। जे टिक्कों को मिसाला लगा के रख दिया था, तो बस अदील ने यही कहा था कि वीकेंड का कौन करेगा इंतज़ार, करेंगे साल के दूसरे दिन ही बारबेक्यू। जी हमने ये आज ही बारबेक्यू किया है और बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोगों को भी इंजॉय अपने साथ साथ कराऊंगी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है जैसे कि ये नज़र आ रही है झूले पे। हाँ टिश्यू भी ला के रख दो इधर। जैनब मजा आ रहा है? स्टाइल चेक कीजिए आदिल साहब का स्टाइल। काफी है थिंक नहीं? आदि एक ही बार में कोयले नहीं खत्म कीजिएगा, आपने कोयले 19 रियाल का एक पैकेट खरीदा है। अपने हाँ काफी है जैनब, क्योंकि हम लोग दो ही लगेंगे, चार और चार खत्म। कोयले को तोड़ा नहीं आपने? आधी एक पैकेट पूरा डालो। नहीं नहीं, हाँ एक पैकेट पूरा डालो। खाली क्यों है चला इधर उधर से? ये हम क्योंकि ये इधर उधर थोड़ी बनेंगे, ये एक ही बनेगा ना पूरा। सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हमने अक्सर जो है ना बारबेक्यू पार्टियों में जो है ना पार्टिसिपेट लिया है, अक्सर जो है ना दोस्तों के साथ ही ना दोस्तों के साथ बनाते थे मिलके, लेकिन ये है कि अकेले आज पहली बार पार्टी हो रही है हमारे घर में, अकेली पार्टी। ठंडे हो रहे हैं झूले को हाथ लगा रहे हो आप लोग, बर्फ हो रहा है झूला बिल्कुल। जल्दी से सर को कवर करो, ये वाली टोपा पहनो, जल्दी इसको बंद करो, जल्दी से कान कवर होने चाहिए, नाक कान कवर होना चाहिए मेन। अच्छा जी, ये क्या आइस क्यूब डाली है आपने? नहीं भाई, लाइटिंग क्यूब से ये जलाते हैं। लाइटिंग क्यूब, बारबेक्यू लाइटिंग क्यूब। अच्छा ये कोई अनोखी चीज है भाई, आज मैं बारबेक्यू की जो तैयारी पहली दफा देख रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ खाए हैं बनते देखे नहीं है। मजा आ गया, सेक आया है उसका आग का एकदम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। निकल रही है स्टीम। फेवरेट कलर पर्पल। ये आदिल साहब की ना आग जलाने का कोयले जलाने का तरीका देखें, करो स्टीम निकालो मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
गुड्डा छोरा है, गुड्डा छोरा है, गुड्डा छोरा। अच्छा जी, ये चिकन जो है ना हमने रख दिए हैं कोयलों पे तड़पने के लिए। यहाँ तेज आवाज है, टाइम तो लगेगा। खुशबू अंदर तक आ रही है घर के, घर के अंदर तक आ रही है। अब लगाओ तेल। वाओ, ग्रुप में की खुशी में मैंने और अदील ने कुछ भी नहीं खाया और इतनी भूख लग रही है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है ना, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ये टिक्कों के लिए रायता भी तैयार हो गया है। ये टिक्के जो है ना हमारे रेडी हो चुके हैं और अदील साहब रखने लगे हैं चाय, नहीं ये हम रख रहे हैं कॉफी। आप लोगों ने कभी कोयले पे पकी हुई कॉफी पी है? हाँ, अक्सर लोग चाय पीते हैं। हमने जो है ना नया तरीका निकाला है। अदील ने कहा सर्दी भी है और कोयले भी जल रहे हैं तो चाय मत रखो नाजिया, कॉफी रखते हैं, क्योंकि अदील चाय नहीं इतनी शौक से पीते जितनी कॉफी शौक से पीते हैं। तो बस जी, अब यहाँ पकेगी कॉफी कोयले वाली। और ये टिक्का मैं खाऊंगी क्या? देखिए जी, गरम गरम। मेरा रूम अभी तक सेट नहीं हुआ है, ये मैंने अभी तक इसको टच भी नहीं किया है, ये वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तो इस रूम का बहुत कुछ सोच रही हूँ कि यहाँ सोफ़े डालने की बजाय यहाँ सीटिंग एरिया बनाने की बजाय यहाँ बच्चों के लिए प्ले एरिया बना दूँ, बच्चों के लिए खिलौने ला के डाल दूँ और अपना जो है ना हाफ जगह पर जिम बना लूँ। जिम में ये आता है कि अदील साहब की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी वॉक, जो अदील साहब नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब से ये जॉब लगी है अदील साहब हो जाते हैं लेट और बाहर, जैसे कि सर्दियां चल रही हैं और बाहर जिम वगैरह ज्वाइन करने से अच्छा है कि बंदा घर में ही ये सिस्टम कर ले, जबकि अगर एक्स्ट्रा आपके पास प्लेस है तो। तो मेरे पास ये कमरा एक्स्ट्रा है, तो आप लोग भी ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा कि मुझे यहाँ पे जिम बनाना चाहिए या मुझे यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस रूम का क्या करूँ। क्योंकि इस रूम के लिए मैं यही सोच रही हूँ कि हमारे लिए, मेरे लिए, अदील के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जिम यहाँ रेडी कर लूँ। मैं अपनी हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचें या बच्चों के बारे में सोचें या यहाँ पे लोगों के बारे में सोचें कि सीटिंग एरिया बनाएं। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपनी राय देनी है। यस, हमारी जो है टिक्का पार्टी हो रही है फुल तैयार। यस, और हम क्या कर रहे हैं? टिक्का पार्टी। यस, और बस अभी हम जो है ना बैठने लगे हैं, खाने लगे हैं, क्योंकि बच्चों को भी लगी है बहुत ज़्यादा भूख और अदील साहब को भी लगी है बहुत ज़्यादा भूख बनाते बनाते, और मुझे भी लग गई है बहुत ज़्यादा भूख। इस टेबल पे इसलिए टिक्का पार्टी हो रही है क्योंकि यहाँ इंजॉय होगा साथ साथ बिग बॉस सीजन 16। हम देखेंगे पार्टी के साथ साथ बिग बॉस। चलिए जी, इसके साथ ही ये व्लॉग करूंगी यही खत्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में इसी तरह याद रखिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे सब्सक्राइब भी रुक गए और व्यूज भी आने चाहिए, क्योंकि आजकल आ रहे हैं व्यूज बहुत ज्यादा कम। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर हैं आप न्यू, और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआ मिला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।